हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फोरियर सीरीज का। ऐसे तो फोरियर सीरीज का बहुत सारा वीडियो बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में होगा और उससे भी कहीं ज्यादा एप्लीकेशन में होगा, जहां पे पेड ग्रुप में मैं पढ़ाता हूं बच्चे को। और ये वीडियो खास करके थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट वाले के लिए होगा और उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। बीटेक एली का जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे इस बार 2021 में, उनके लिए ये खास इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, और आप बीटेक एली का भी फॉर्म भरेंगे, अभी तक फॉर्म आया नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बीटेक करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम फाइनल होने के बाद, जिसको कहते हैं एली एग्जाम, बीटेक एली ना एंट्रेंस एग्जाम 2021, कुछ ही दिन में फॉर्म अब आ जाएगा, तो उनके लिए ये खास वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे फोरियर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ऐसे तो मैंने फोरियर सीरीज कंप्लीट कर दिया हूँ, पेड ग्रुप जो बच्चे कोर्स को परचेज करके बीटेक के लिए का एंट्रेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका फोरियर सीरीज कंप्लीट कर दिया हूँ और एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। कुछ उससे हटके कुछ इम्पोर्टेंट आज मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट कि फोरियर सीरीज पढ़ते तो हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि इसका कहाँ यूज होने वाला है, आखिर ये क्या चीज है ना, क्या इससे पहले कभी पढ़े हैं कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज हम लोग तो बचपन में ही पढ़ चुके, ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम फोरियर सीरीज नहीं था, सीरीज था, चाहे हुआ एपी, आप लोग 11th में पढ़े होंगे या 10th में ही पढ़े होंगे, सीरीज तीन प्रकार के सीरीज पढ़े होंगे, एपी, जेपी और एचपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ना ये तीन सीरीज आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन हुआ क्या किया है, वहां पे हम लोग सीरीज पढ़े हैं, लेकिन उस सीरीज में क्या किया है, यहाँ फोरियर लगा दिया है, तो क्या अंतर है, वही आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज पढ़ने से पहले कुछ सीरीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सीरीज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज जो होता है किसी नंबर या टर्म का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कोई नंबर प्लस या माइनस के रूप में आपस में एक सीरीज के रूप में रहता है, जुड़ा रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अ नंबर ऑफ ग्रुप और टर्म्स सेपरेट बाय प्लस और माइनस साइन, ना हमने यहाँ पे क्या लिखा कि नंबर ऑफ ग्रुप और टर्म्स सेपरेट बाय प्लस या माइनस के साइन में, मतलब एक ऐसा नंबरों का ग्रुप या टर्म जो कि आपस में प्लस या माइनस के रूप में सेपरेट रहता है। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट लिख सकते हैं, यानी दो ना प्लस दो, सॉरी चार कर देते हैं यहाँ पे, प्लस सिक्स, प्लस एट, प्लस नाइन, माइनस टेन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा जो नंबर है ना, वो कहीं न कहीं प्लस या माइनस के रूप में आपस में कॉम्बिनेट सेपरेट है, इसको हम कहेंगे सीरीज है, इसको क्या कहेंगे, सीरीज है ना। लेकिन फोरियर सीरीज की जब स्टूडेंट ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कहिएगा एपी का सीरीज लिखने के लिए, तो देखिए हम एपी का सीरीज लिखते हैं पहले, एपी का जो स्टूडेंट सीरीज होगा, जैसे कि दो कोमा चार कोमा छ कोमा आठ कोमा दस, इस तरह से इनफिनाइट तक जा सकता है, या फिर यहीं पर हम छोड़ देंगे। तो इसमें देखिए एपी कहता है कि नंबर का जो क्रम होना चाहिए वो इक्वल नंबर से इंटरवल होना चाहिए ना, तो एपी में नंबर को जोड़ करके आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि दो है, दो में दो जोड़ेंगे तो चार, चार में फिर दो जोड़ेंगे तो छह, छह में दो जोड़ेंगे तो आठ, आठ में दो जोड़ेंगे तो हो गया दस। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये एपी में है, एपी को चेक करने का है, तीन नंबर आप उठा लीजिए, लास्ट में सेकेंड को घटाइए, सेकेंड में फर्स्ट को घटाइए, दोनों का देखिए घटाने के बाद नंबर जो है कॉमन डिफरेंस बराबर आया, तो वो एपी में है। तो ये चीज हम लोग पढ़े, उसी का मॉडरेट रूप फोरियर सीरीज आया है ना, तो जो चीज हम लोग आज पढ़ना चाहते हैं उस पे आ जाते हैं। फोरियर सीरीज
सीरीज। अब सीरीज तो है, उसमें एक आ गया है फोर ईयर ना, तो सीरीज भी है, इसमें नंबर होगा या टर्म होगा जो सेपरेट होगा प्लस या माइनस का साइन से, लेकिन उसके पहले आ गया फोर ईयर। तो यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है, मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा टर्म जो आपस में प्लस या माइनस के रूप में कंबाइंड तो होगा, लेकिन उसमें जो टर्म होगा कोई नंबर नहीं, उसमें साइन और कोसाइन का ही टर्म होगा, तो उसे स्टूडेंट कहेंगे फोरियर सीरीज। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अ टर्म, टर्म्स ऑफ साइन, साइन और कोसाइन सेपरेट बाय, सेपरेट बाय प्लस और माइनस साइन। मतलब एक ऐसा टर्म जो साइन और कोसाइन का हो, मतलब ऐसा त्रिकोणमिति का ना, त्रिकोणमिति में ही साइन और कोस आता है, तो साइन और कोसाइन का जो टर्म है वो सेपरेट होगा प्लस या माइनस के रूप में, तो उसको हम कहेंगे फोरियर सीरीज ना। तो आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फोरियर सीरीज, तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं ना। तो सीरीज तो होता है जो नंबर या किसी टर्म का ग्रुप होता है जो आपस में किसी न किसी कंडीशन में सेपरेट होता है ना। लेकिन जब फोरियर सीरीज की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि आर टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन सेपरेट बाय प्लस या माइनस के साइन में, पॉजिटिव या निगेटिव के साइन में ये सेपरेट होता है, तो उसे हम कहते हैं फोरियर सीरीज। हाँ, इसमें कोई नंबर अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई है तो चल सकता है। तो स्टूडेंट्स, तो फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला था एफ एक्स बराबर ए नोट प्लस, हाँ एक चीज इसको लिखने से पहले हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, तो कैसे रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस एक्स मतलब कॉस जीरो एक्स लिख लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं कॉस वन एक्स प्लस कॉस टू एक्स फिर कॉस थ्री एक्स डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक चलेगा या एन तक चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एन एक्स। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, कॉस का जो एंगल है वो जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट कहां तक लिए हैं, एन तक लिए हैं। उसी प्रकार से साइन का भी लेना पड़ेगा, यहां जाएगा साइन जीरो एक्स, साइन वन एक्स, साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स डॉट डॉट साइन एन एक्स ना। यहाँ पे दो टर्म, जब फोरियर सीरीज में बोल ही दिया है कि फोरियर सीरीज में जो सीरीज होगा उस सीरीज में साइन और कॉस की बात होगा तब वही फोरियर सीरीज कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, कॉस का एक सीरीज ले लिया है एन तक, उसी प्रकार से साइन का भी एक सीरीज ले लिए है एन तक। तो अब इसको, हाँ एक चीज एक काम कर सकते हैं, इसमें कोई नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जीरो से स्टार्ट हो गया तो ए जीरो, यहाँ पे ए वन ले लेते हैं, यहाँ पे ए टू, यहाँ पे ए थ्री और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स ए एन। उसी प्रकार से यहाँ बी ले लेते हैं ना, साइन में बी ले लेते हैं, बी जीरो, बी वन, बी टू, बी थ्री और यहाँ पे बी एन। अच्छा एक बात बताइए आप, ए जीरो से लेकर ए एन तक है कि नहीं, और ये कॉस जीरो से लेके कॉस एन तक है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं पूरी तरह से तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। तो जोड़ने के बाद उसमें समेशन लगता है, समेशन का चिन्ह लगता है, तो समेशन ए एन और फिर कॉस एन एक्स। ए जीरो से लेके कहां तक लिखाया है, ए जीरो से लेके हम कहां तक लिखे स्टूडेंट्स लिखे हैं, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉस जीरो का तो वैल्यू वन हो जाता है, कॉस जीरो का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ये पार्ट तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। आपको हम समझा देते हैं बढ़िया से, इस सब को जोड़ दीजिए ना, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई ये वाला नंबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू कितना जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर क्या हो जाएगा जीरो। तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम वन प्लस टू ऐड करिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है ए नोट, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना वन,
तो इसके साथ में वन मल्टीप्लाई करेगा तो ए नॉट ही रह जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे, यहाँ पे क्या बच रहा है ए वन कॉस वन एक्स, फिर यहाँ पे ए टू कॉस टू एक्स, प्लस डॉट डॉट बीच में छोड़ दी, यहाँ लिखिए प्लस ए एन कॉस एन एक्स, प्लस का चिन्ह दीजिएगा। अब ये इक्वेशन टू को इसमें ऐड करेंगे तो साइन जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन जीरो का वैल्यू स्टूडेंट आ रहा है जीरो, तो ये टोटल टर्म में क्या हो जाएगा, जीरो ही में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला टर्म खत्म, ये बचेगा, ये हो जाएगा बी वन साइन वन एक्स, बी टू साइन टू एक्स डॉट डॉट बी एन साइन एन एक्स ना, इसको ऐड कर दिए। अब यहां से लिखना ए नोट प्लस ए वन से लेकर ए वन कॉस वन से लेकर ए एन कॉस एन तक को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जोड़ के लिखेंगे समेशन ए एन कॉस एन एक्स लिखेंगे। और ये कहां से कहां तक है, वन टू थ्री फोर फाइव कहां तक, एन तक, इसका मतलब है यहां से एन बराबर वन से लेके यहां एन तक लिख सकते हो, या अगर मन है तो इन्फिनाइटिव तक, इन्फिनाइट तक भी लिख सकते हैं आप, एन बराबर वन से लेके स्टूडेंट आप एन लिखिए या इन्फिनाइट लिखिए चलेगा, ठीक है। प्लस अब देखिए बी वाला में भी वही बात है, यहां लिखाएगा समेशन एन बराबर वन से लेके इन्फिनाइट तक, और यहां हो जाएगा बी एन साइन एन एक्स, एक सीरीज बन गया, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स फोरियर सीरीज का फॉर्मूला, इसको कहते हैं फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज ना, या फिर इसको कहते हैं एर्लियर फॉर्मूला थ्योरम, लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे आपको हमने क्या समझाने का प्रयास किया कि फोरियर सीरीज जो होता है साइन और कोसाइन का टर्म होता है जो प्लस या माइनस के रूप में आपस में सेपरेट होता है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने कॉस का लिया, इक्वेशन टू में हमने साइन का लिया, और दोनों को फिर हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास एक ये सीरीज बनके तैयार हो गया, इसको कहते हैं फॉर्मूला ऑफ फोरियर सीरीज अथवा एर्लियर फॉर्मूला। थोड़ा इधर में इसको घुमा देते हैं पूरा, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, समझ में आया कि फोरियर सीरीज में ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इससे पहले तो नहीं बतलाया था और कहीं आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, मिल भी सकता है, और मैंने पढ़ाया था पहले तो उसमें इस तरह से नहीं बतलाया था, डायरेक्ट हमने ये फॉर्मूला लिख के आपको बतला दिया कि फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन टर्म इस फॉर्मूला में होता है ऐसा। लेकिन आज आपको हमने समझाने का प्रयास किया कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से, कैसे आया, वही चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बतलाया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और भी कुछ इसमें बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज में दो टर्म होते हैं, एक फुल रेंज टर्म होता है, दूसरा होता है हाफ रेंज टर्म, ठीक है। और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे नोट करके लिखिएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट डॉट प्लस एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन बटे टू, ये तो आप पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो बात है यहां से यहां तक इसको कहते हैं सीरीज, और इसको कहते हैं वन टर्म सिंगल टर्म, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज है और उस सीरीज से हमने क्या बनाया स्टूडेंट सिंगल टर्म बनाया, लेकिन फोरियर सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, फोरियर सीरीज में हमारे पास एक सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म होता है और उससे हम लोग बनाते हैं सीरीज, ठीक है। उससे हम लोग क्या बनाते हैं एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं सीरीज बनाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए या नहीं भी लिखिएगा तो माइंड में आप याद कर लीजिए कि एक प्रकार का ये सीरीज है
चाहे कोई भी सीरीज हो उससे हमने सिंगल टर्म बनाया। और फोरियर सीरीज में क्या करते हैं, सिंगल टर्म दिया रहता है उससे हम लोग सीरीज बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज में देखिए दो बातें आपको सीखना और है। क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर में फुल रेंज, फुल रेंज, और इसमें पढ़ेंगे स्टूडेंट हाफ रेंज, हाफ रेंज सीरीज। फुल रेंज सीरीज, हाफ रेंज सीरीज। फुल रेंज में जो लिमिट होगा स्टूडेंट्स, वो लिमिट जो होगा दो टाइप से होगा। इसमें जो लिमिट होगा स्टूडेंट्स, जीरो से टू पाई होगा अथवा माइनस पाई से पाई तक होगा ना, या कांस्टेंट के रूप में अगर रहे तो जीरो से टू एल अथवा माइनस एल से एल तक रहता है। और हाफ रेंज में जो लिमिट होगा स्टूडेंट्स, ये होगा जीरो से पाई तक। इसमें भी ऐसे करके लिख लेते हैं, क्या होगा जीरो से पाई तक होगा, या फिर इसको लिख सकते हैं जीरो से पाई तक अथवा जीरो से एल तक। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फोरियर सीरीज में हम पढ़ेंगे फुल रेंज और हाफ रेंज। जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ चुके हैं फुल रेंज हाफ रेंज। जिनको बैक लग गया है, कैरी लग गया है, उनको भी पता होगा कि फोरियर सीरीज आप लोग पढ़े हैं फुल रेंज हाफ रेंज किस प्रकार का क्वेश्चन होता था। या जो लेटर एंट्री में है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अच्छा से इसको देखिए। जो बीटेक एली का एग्जाम देंगे, अगर सिविल के स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल ये चीज नहीं पढ़े होंगे, आपके लिए नया चीज है। और हमने प्लेलिस्ट में इस वीडियो को सेव करके रखा है, शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एप्लीकेशन में माही टेक्निकल क्लास का जो एप्लीकेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक दिया होगा, उस पे आप उसको डाउनलोड करके वहां पे जाके देख सकते हैं। हाँ, अगर आप लेटर एंट्री का तैयारी करना चाहते हैं और इस बार एग्जाम देके एग्जाम पास करना चाहते हैं तो मात्र आपको मैथमेटिक्स में 500 रुपया पेड करके फुल कोर्स आप ले सकते हैं। अभी वहां पे लगभग 140-145 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, 30-40 वीडियो और अपलोड करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं फुल रेंज का। तो फुल रेंज में जो लिमिट होता है जीरो से टू पाई अथवा माइनस पाई से पाई, या कांस्टेंट में लीजिएगा जीरो से टू एल या माइनस एल से एल तक। और हाफ रेंज में स्टूडेंट जीरो से पाई या जीरो से एल तक। आज मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि फुल रेंज या हाफ रेंज में ये लिमिट हम लोग क्यों लेते हैं, कैसे फुल रेंज बन जाता है। चलिए यहां पर हम लेते हैं ग्राफ से, आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप समझेंगे भी। स्टूडेंट्स यहां पे होता है जीरो डिग्री होता है ना, और हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉक वाइज मेजर करते हैं। ये जीरो डिग्री यहां होता है, यहां होता है पाई बटा टू, यहां होता है पाई, यहां पे होता है स्टूडेंट्स कितना होता है टू पाई बटे थ्री ना, और यहां पे हो जाता है टू पाई। अब देखिए फुल रेंज का मतलब क्या है, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई को हम फुल रेंज क्यों कहते हैं स्टूडेंट। यहां से हम चलेंगे, यहां से चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके यहां तक आ गए तो फुल एक चक्कर लगाए, इसीलिए इसको कहते हैं फुल रेंज। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फुल रेंज सीरीज कहते हैं फोरियर सीरीज में। समझ में आया कि फुल रेंज इसको क्यों कहते हैं। तो कहना है कि लिमिट इसमें जीरो से टू पाई लेते हैं तो जीरो से एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो फिर वही जगह आ जाते हैं टू पाई के कारण, इसीलिए इसको कहते हैं फुल रेंज। तो कोई कहेगा कि अच्छा माइनस पाई से पाई को भी तो फुल रेंज कहते हैं, तो आप कहिए चलिए आइए ना, यहां भी मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं ना। ये जीरो डिग्री हो जाएगा, ये पाई बटा टू हो जाएगा, ये पाई ना। अब देखिए जब हम ऐसे चलते हैं स्टूडेंट्स तो एंगल हमारा पॉजिटिव होता है, एंगल का साइन पॉजिटिव होता है यानी पाई। और यहां देखिए माइनस पाई से पाई, और जब हम क्लॉक वाइज चलेंगे स्टूडेंट्स तो एंगल का मेजरमेंट माइनस नेगेटिव होता है, यहां हो जाएगा माइनस पाई। क्या देख रहे हैं कि अगर मैं जीरो से चलेंगे ना, यहां से यहां तक इसको मेजर करेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा, और इधर से इधर मेजर करेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा।
तो माइनस पाई से प्लस पाई जाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जीरो से माइनस पाई यहां तक आते हैं और पुनः जीरो से यहां पे पाई तक आते हैं। यही हो गया माइनस पाई से प्लस पाई तक ना, तो यही फुल रेंज हो गया। एक चक्कर पूरा लगा लिए, फुल रेंज हो गया। अब देखिए हाफ रेंज में, हाफ रेंज तुम 500 यहां से घसक जाओ। अब देखो बाबू ये ग्राफ है आपके सामने, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पाई बटा टू, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे टू पाई बटा थ्री, और यहाँ पे टू पाई है। जीरो से पाई तक हमको जाना है, तो स्टूडेंट जीरो से यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहीं आके रुक जाएंगे, हाफ है ना रेंज हुआ, आधे न चले हैं, आधा तो निचला बचले है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाफ रेंज सीरीज फोरियर सीरीज में। तो जीरो से पाइये तक चले, इसीलिए इसको कहते हैं हाफ रेंज। इसमें जीरो से चलते हैं फिर जीरो तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए फुल रेंज ना, समझ रहे हैं ना, हाफ और फुल, समझिए बढ़िया से। तो फोरियर सीरीज में हम लोगों ने यहाँ पे हाफ रेंज फुल रेंज अच्छे से समझ लिए स्टूडेंट्स। एक चीज और आपको हम समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आप समझना चाहिए, अगर इस नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, मैं करता हूँ। तो स्टूडेंट लिख लीजिएगा, जैसे देखिए ए नोट का वैल्यू होता है 1/2π माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ए एन का जो वैल्यू होगा 1/π माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स, और ए किस में था, कॉस में था, यहाँ जगह कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, और बी एन का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो जगह 1/π माइनस पाई से पाई तक एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, ये रियल फॉर्मूला है, और जो आगे जो मेरा वीडियो है बना हुआ है उसमें आपको हमने बतलाया था ए नोट ए एन बी एन का वैल्यू क्या कहते हैं इवेन ऑड पे डिपेंड करता है, और इवेन ऑड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे आसानी से इसका वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। तो आप जो है ए नोट ए एन बी एन का जो वैल्यू है वो अगले वीडियो में जो है, इसके बाद वाला जो वीडियो में है उसमें आप अच्छे से समझ जाइएगा, वहां पे इसका बड़ा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बताएं। इसलिए यहाँ क्या कहे बताएंगे, यहाँ तो मुझे कुछ अदर चीज बताना था जो कि नहीं बताया था, वही चीज आपको बतला दिया। तो यहाँ पे ए नोट का वैल्यू 1/2π माइनस पाई से पाई लिमिट लेना है एफ एक्स डी एक्स, ए एन कॉस में था ना, याद करिए वीडियो को पीछे करके देखिए, ए एन किस में था, कॉस वाला में, इसीलिए 1/π माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, और बी एन का वैल्यू बी एन देखिए किसमें था, साइन वाला टर्म में था, तो 1/π माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स तो ये तो इंटीग्रल हो गया, ये तो इंटीग्रल हो गया ना, और ये जो वैल्यू है ना ए नोट ए एन और बी एन, इसी को फाइंड आउट करना होता है, इसी को फाइंड आउट करके इसमें अगर हम पुट कर देते हैं तो फिर हमारा एक सीरीज तैयार होता है, उसी को कहते हैं फोरियर सीरीज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसीलिए हमारा वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाता है। और अगर आप बीटेक का तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ पढ़िए, अच्छा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ भले मैं टाइम पे उतना वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन आपका मैं सिलेबस समय पे खत्म कर दूंगा और आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा, ये विश्वास रखिए, क्योंकि मैं विश्वास के साथ मजे के साथ पढ़ाता हूँ। थैंक यू।